आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ वन मंडल वन परिक्षेत्र कुमारपुर के जंगल में वन रक्षक ही वनों की कटाई में साथ है। गाजर से कुमारपुर तक 12 किलोमीटर कच्ची सड़क का निर्माण वन विभाग कुमारपुर द्वारा किया गया है, जहां बीच जंगल के ही पेड़ों को काट कर वहां से मिट्टी निकाल कर रोड पर बिछाया गया है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही, एक्शन या सुनवाई नहीं हुई है। उसी की पड़ताल करने बीबीसी लाइव की टीम कार्यस्थल पर पहुंची, जहां जंगल के बीच में ही एक के बाद एक मिट्टी की खदान बनी दिखाई पड़ रही है। जंगल के पेड़ों को काटकर फिर वहां से मिट्टी निकाली गई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। जहां पेड़ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं कुमारपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी पेड़ों की बलि चढ़ा रहे और पेड़ों को कटवा कर मिट्टी निकलवा रही। आखिरकार वन विभाग क्यों इस तरफ सुध नहीं ले रहा, जबकि राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करने की भी बात करती हैं। 12 किलोमीटर कच्ची सड़क के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए, पेड़ों की जगह विशाल गड्ढे बना दिए गए। क्या इसी को हरियर छत्तीसगढ़ कहा जाता है? जब आम आदमी एक डाल काटता है तो वन विभाग उस पर कार्यवाही करता है। अब वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा ही पेड़ों को काटा गया है, क्या अब उन पर भी कार्यवाही होगी, पूछता है कुमारपुर। अगली खबर में हम वन मंडल मनेंद्रगढ़ के हुए घोटालों का पर्दाफाश करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बीबीसी लाइव तह से तह तक। अब्दुल सलाम कादरी के साथ फैजान अख्तर की खास रिपोर्ट। नाम भैया? भगवान प्रसाद यादव भैया जी। यहाँ मतलब आप ये क्या काम कर रहे हैं अभी? ये अभी अग्नि सुरक्षा में काम कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, और आप मतलब आपकी ड्यूटी क्या है? ये चौकीदारी है सर, कूप में अपना। चौकीदार हैं जी। ये किस वन परिक्षेत्र में आता है आपका? कुमारपुर है सर। कुमारपुर रेंज में आता है। रेंजर साहब का नाम क्या है यहाँ? सर कोई गुप्ता करके है सर। और डिप्टी रेंजर? जयवीर सर है। और ये रोड जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से बना हुआ है जी जी, यहाँ अधिकतर मिट्टी का ही निर्माण किया गया है, मुरुम का बहुत कम उपयोग हुआ है जी। तो ये किसके निर्देश में हुआ है? अब इसके बारे में जानकारी तो नहीं है सर, वो साहब लोग ही इसका जानकारी दे पाएंगे। ये निर्माणाधीन रोड आपके विभागीय मतलब फॉरेस्ट का ही बनाया हुआ है ना? जी जी। चलिए, खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।